हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलेटेक 9 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 34 और एक्सपोनेंट का वीडियो नंबर 5। इस वीडियो के अंदर हम एक्सपोनेंट के 3 रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर पावर डिफरेंट, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं कि इनको ए इंटू बी रेस टू एक्स कर देते हैं। रूल नंबर सेकेंड, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होते हैं, जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है। और फाइनली जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन है तो पावर का माइनस हो जाता है। आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई बिल्कुल एडिशन की तरह दिखता है, इसलिए आपको पावर का प्लस कर देना है। और डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो डिवाइड है दोनों के बीच में, तो डिवाइड देखो बिल्कुल माइनस की तरह दिखता है। तो आपको पावर का प्लस और माइनस इस तरीके से करना है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहां पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2^4 + 3 = 2^7। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, 3^4 है और 5^4 है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे ए और बी बेस सेम नहीं था मगर पावर सेम थे, यहाँ पर भी पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस का मल्टीप्लाई और उनकी पावर कॉमन बाहर निकल जाएगी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 15^4 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में डिवीजन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, बेस लिखकर पावर का माइनस कर देंगे। तो बेस लिखकर पावर का माइनस कर दिया तो 5^4 हो जाता है। नेक्स्ट देखो, बेस सेम, डिवीजन और पावर डिफरेंट है तो रूल के हिसाब से, रूल नंबर एम के हिसाब से 4 - 5 (2^-1). मैंने सिखाया था जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसको 1 बाय करके लिखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 2^0 है, ये रूल था 2^0, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आएगा, 1 × 2^3। 2^3 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2^3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पावर ऑफ पावर है तो 2^4 × 3 = 12 × 2^3 × 4 = 12। यहां पे बेस सेम है और पावर भी सेम है तो, और बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, 2^24। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट के यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अभी आने वाले वीडियो के अंदर हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारे रूल्स आपस में कंबाइन होंगे और वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे रूल्स का एक बार रिविजन भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।